बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। ये मेरे पास पास्ट पेपर नंबर 7 है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसका पहला एमसीक्यूज़ है, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। गुड रीडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होना लाजमी होता है। ए फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51। व्हाट इज द एज ऑफ सन। इसमें बच्चे की उम्र है एक्स, वालिद की उम्र है 9x और वालदा की उम्र है 8x। दी गई शर्त के मुताबिक 9x जमा 8x 17x इज इक्वल टू 51। एक्स इज इक्वल टू 51 बटा 17 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 के। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। डैमर भाषा डेम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, इसका राइट ऑप्शन सी है, गिलगित बलतिस्तान में है। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रोवाइड द लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान में आता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। द रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ, ये आता है फैसिलिटेटर में आता है। हु लीड द पाकिस्तान डेलीगेशन टू द 17 नेम्स सबमिटेड कंक्लूडेड रिसेंटली इन वेंजुएला, इसका राइट ऑप्शन सी है, सरताज अजीज है। विच इज द अदर नेम्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो दूसरा नेम है वो है एक्सप्लिसाइड टीचिंग है। ए चाइल्ड लो सेल्फ इस्टीम वे मे बी कॉज्ड बाय, ये फैमिली कन्फ्लिक्ट से हासिल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा जो पेयर है इनकोरेक्ट है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, पियाजे मारा डेवलपमेंट, ये नहीं था, पियाजे का था कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। बाकी इसमें से एमसीक्यूज राइट है, ए वाला एमसीक्यूज हमारे पास गलत है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 10 है। 10 में हमारे पास है एटम एनालिसिस फोकस करता है टू फाइंड आउट, एटम एनालिसिस फोकस किसको करता है, फाइंड आउट को करता है। इसमें से जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे ठीक हैं, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, ऑल ऑफ अबव जाता है। ए प्रॉब्लम चाइल्ड हैज हेरिटेटरी प्रॉब्लम से हासिल होती हैं। विच टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोवाइड द स्ट्रेंगेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे की पॉइंट होगा काज एंड इफेक्ट, उसके साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। कैरिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल प्लान मटेरियल स्टेट पे, ये सिमत ने दिया था। बाकी हमारे पास कैरिकुलम इज ए प्लान फॉर लर्निंग, ये तैबा ने दिया था। कैरिकुलम इज ए रिटर्न प्लान, ये कैरर ने दिया था, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। द सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल पार्टिकुलर डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जहाँ पे डिज़ाइन होगा सिलेक्शन की वो फाउंडेशन के साथ आती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रजिस्ट करता है द कैरिकुलम चेंज इज, ये टीचर होता है, राइट ऑप्शन इसका सी है। द प्रोसीजर ऑफ फिलासफी इज बेस्ड ऑन रेशनल थॉट्स में हासिल होती हैं। एमंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फिस्तालोजी एंड हार्बर्ट अपॉन द एजुकेशन शुड बी लिस्टेड द, इसका राइट ऑप्शन है नॉर्मल स्कूल एज एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, नॉर्मल स्कूल थे जिसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीथीसिस, एंटीथीसिस का है डायरेक्ट अपोसाइड में आता है, राइट ऑप्शन इसका ए है। एगोज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हासिल होती हैं। सॉलिड कॉमन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड कहलाता है। लर्निंग इन्वॉल्विंग एक्वायरिंग न्यू वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिवर्सिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इसको है कंस्ट्रक्शनलिस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्शन का मतलब है नए तरीके, न्यू है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। इसके बाद हमारे पास है द बिहेवियर अक्वायरिंग जस्ट बिफोर द रेनफोर्स, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है।
स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आर अपॉइंटेड इन BPS 16 में होते हैं। ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कम्पोज ऑफ ए क्वेश्चन और स्टेटमेंट इज रिफर्ड एज स्ट्रीम कहलाती है। MCQs में जो स्टेटमेंट दी होती है उसको स्ट्रीम कहते हैं। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कैरिकुलम द प्रैग्मेटिस्ट टीचर वुड मोर देन लाइकली, इसका राइट ऑप्शन डी है, इनकरेज द स्टूडेंट टू एड्रेस एज दे बिलीव दे शुड। द रोल ऑफ ए टीचर इन क्वेरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ फैसिलिटेटर होता है। चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेन ही हैज मेड हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ये है डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, राइट ऑप्शन इसका बी है। अकॉर्डिंग टू गॉस्टी स्टेज व्हेन द चाइल्ड सेल्फ टॉक इट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच कहलाती है। सेल्फ टॉक किस में आती है, प्राइवेट स्पीच में आती है। एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लेन डिस्कशन इज द पार्ट ऑफ कमांडिंग वार्म इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर स्टैंड फॉर राइट वांस रीड मैनी द डिवेलपमेंट ऑफ ए सोल्ड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज टिपिकली इज बिल्ड फ्राम विच द टाइप्स ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च कहलाती है। 5/7, 14/10 ये आता है 1/4। इन रियलिस्टिक स्कूल द कैरिकुलम वुड प्रोबेबली द फोकस रेदर शार्पली ऑन स्टूडेंट इन द नेचर एंड बिहेवियरल साइंस कहलाता है। हु वॉज द 20th century एग्जिस्टेंस, इसका राइट ऑप्शन सी है, जॉन प्योल स्टेयर है। ए कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स इन विच द स्टूडेंट मीट टूगेदर फॉर शेयरिंग आइडियाज करते हैं। शेयरिंग आइडियाज किससे हासिल होती हैं, डिस्कशन मेथड से हासिल होती हैं। फिल इन द ब्लैंक, द हॉकी टीम वॉज रॉबर्ट फ्रॉम विगास्ट्री बिकॉज ऑफ द लेस्ट मिनट गोल लाइक इब्ने सिना। इमाम गजाली बिलीव दैट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी बिगिन विद, ये आता है कुरान से हासिल होता है। कंक्रीट ऑपरेंड अकर्स एट द स्टेज ऑफ 7 से 12 ईयर्स में हासिल होती है। द टर्म CAI इन एजुकेशन स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन होती है। समिटिव असिसमेंट इज द असिसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ पे समिटिव है, समिटिव के साथ ऑफ आता है, फॉर्मेटिव होता तो उसके साथ फार आता। आफ्टर रिवर्सिंग द एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010 द वाइट पेपर वॉज पब्लिश वैन बिकेम द बेस फॉर डेवलप ऑफ ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द वाइट पेपर वॉज इस्टेब्लिश इन 2007। द टेक्स्ट बुक बोर्ड वॉज रिकमेंडेड टू इस्टेब्लिश अंडर, ये हुए थे नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में। स्कूल शुड अरेंज को करिकुलर एक्टिविटी फॉर ए स्टूडेंट बिकॉज इट इज गिव ए बेटर इंसाइट इन टू द कंटेंट एंड इट्स कंटेंट। इन MS Word में इस्तेमाल किया जाता है पेज सेटअप, डायलॉग्स बॉक्स होते हैं। ए क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर इंटरनेट और सोशल मीडिया इज कॉल्ड, इसको कहते हैं साइबर क्राइम कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास है साइबर क्राइम, राइट ऑप्शन इसका सी है। इसके बाद MCQ 47 है टेक्निक्स लाइब्रेरियन एंड री पैराग्राफिक असिस्टेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आता है। द SWOT अप्रोच असिस ऑर्गेनाइजेशन इज, इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया द 4th stage ऑफ कैरिकुलम वॉज नोन एज पोस्ट डिग्री स्टेज है। सिंपोजियम इज ए टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू द पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी। द रिसर्चर इज यूजिंग, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, इक्वल चांस के साथ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सेटिंग पार्टिकुलरली इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मटेरियल्स इन विच द प्रोसेस गोज ऑन इज कॉल्ड, इज ये है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंस कहलाता है। रूटर्स इज द फेमस न्यू एजेंसी ऑफ,
ये बरतानिया की है, राइट ऑप्शन इसका बी है। 1905 अक्टूबर में द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन व्हेन द लॉर्ड वाज, ये है क्रूजन की है। ए है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राइविंग, क्राइविंग के साथ डिजायर आता है। द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग ऑफ द फॉलोइंग, ये याहू है। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज करता है इन सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम को। विच प्रिंसिपल इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्किनर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये कहलाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है, स्किनर ने हमें क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। इसके बाद 59 है, सेलोन वाज रीनेम्ड एज श्रीलंका इन 1972। ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट मल्टीपल चॉइस आइटम इज दैट दे आर, ये है कैन ओनली एक्सेस लो लेवल ऑब्जेक्ट। मिसकंसेप्शन के साथ आता है कैन ओनली एक्सेस लो लेवल ऑब्जेक्ट आता है। द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड बाय जेनवा, स्किनर वर्ड है प्रोबेबली एडुकेटेड यूज करता है ड्रेल एंड प्रैक्टिस एंड ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर को। 1925-49-121, यहाँ पे आठ नंबर लिए गए हैं, आठ नंबर का स्केल लिया गया है। एक है 3 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा और 9 का मुरब्बा, क्या आता है 81 आता है, बी ऑप्शन इसका सही है। डैश डिफाइन दी एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस ऑफ डिलीनेटिंग ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिस्कशन अल्टरनेटिव्स, ये आता है वेब स्टार आता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। मिस्टर असद वांट टू बी सर्टेन दैट हिज स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट ही हैज हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देम, देयर फॉर ही गिव्स ए वेरी डिफिकल्ट एग्जाम ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल विद द प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग ऑफ टू द राइट स्टार्ट डेट। मिस्टर असद इग्नोर करता है इस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर एंड रिसोर्स स्टूडेंट अनसर्टेंटेंस। डैश इज ए नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में क्या नहीं होता, सेल्फ पेस्ड लर्निंग नहीं होती क्योंकि क्लास के मुताबिक चलना पड़ता है, बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। सितंबर 8 ईच ईयर ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इफ ए रिसर्चर यूज ए टाइप ऑफ लैगनेट फ्रॉम ट्रेबल एल्डर एज ए सोर्स ऑफ ए डेटा, ही इज यूजिंग ए डेटा सोर्स इज नोन एज, ये कहलाता है ओरियल स्टेटमेंट कहलाती है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट अकर्स व्हेन बिलीव्स, नेगेटिव रेनफोर्स में हमेशा इंक्रीज बिहेवियर जो होता है उसमें इंक्रीज होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। 70 में लर्निंग टू रीड इज ए कम्प्लेक्स, इसमें आता है एक्टिविटी आता है द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज, ये आता है टू फार्मूलेट ए हाइपोथीसिस आता है। नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एनाथीसिस एवोल्यूशन आर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेन, ये आते हैं कोगनेटिव डोमेन की टाइप्स हैं। इंटरेस्ट दैट इज इग्नेटेड धरो आउटवर्ड फोर्स लाइक वर्ल्ड मैनेटरी और मटेरियल थिंग इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से मालूमात होती है आउटवर्ल्ड, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम पास्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। इवेंट हो या पास्ट का की पॉइंट लफ्ज होगा तो उसके साथ हिस्टोरिकल रिसर्च आती है। व्हाट इज द मेरिट ऑफ मैक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग के सारे ऑप्शन ठीक हैं, ऑल ऑफ अबव जाता है। ए पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन, इसका राइट ऑप्शन बी है। टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन में आती हैं। व्हेन हु यूज्ड टू बी नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कैद आजम ने कहा था। विच वेरिएबल इज मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस, इसका राइट ऑप्शन बी है।
मॉनिटरिंग फार्मेंसेस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव डुबेज ब्लॉम टैक्सोनॉमी, ये वैल्यूम में आता है। राइट ऑप्शन क्या हमारे पास, बी है। इफेक्टिव डोमेन में वैल्यूम आता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 780 है। 80 में द सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की तादाद टोटल 15 होती है, इसमें 5 होते हैं मुस्तकिल और 10 होते हैं गैर मुस्तकिल होते हैं। विच फिलासफी इम्फेसाइज ऑन दोज करिकुलम एलिमेंट्स विच आर कॉग्निटिव एंड बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड फैक्ट, नॉलेज एंड फैक्ट के साथ रियलिज्म आता है। नेम द ओनली फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर थी। ट्रिलियन हैज हाउ मैनी जीरो, ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। आई विल अप्रोसिएट टू द टीचर हु, इसका राइट ऑप्शन बी है। नोन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट एंड हेल्प देम एडिंग डिटेल टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग एसोसिएशन, इसमें आता है एल्बोरेशन आता है। बी ऑप्शन है। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रिमेन द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर आलमोस्ट 13 मंथ थे, राइट ऑप्शन इसका डी है। अकॉर्डिंग टू स्कूल दैट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशेंट यूज ऑफ स्कूल स्पेस टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट इफेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, ये दिया था हनी फाइल ने दिया था। ए क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड डाटा इज डैश मेजरमेंट, ये सिंपली होता है मेजरमेंट डाटा होता है, राइट ऑप्शन इसका ए है। AFP इज ए न्यू एजेंसी ऑफ, ये है फ्रांस की है, राइट ऑप्शन इसका बी है। लर्निंग इज द मोस्ट मीनिंगफुल इज कंसेप्ट ऑफ, ये है रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स डेली लाइफ विच द साइंटिफिक मेथड फॉलोड दी स्टेप, ये आता है ऑब्जर्वेशन एंड डाटा से हासिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद आउट एजुकेशन, ये कहलाती है फिजिकल, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, फिजिकल होता है। इसके बाद हमारे पास है MCQs है 93 में है। हाउ कैन वी इन्वॉल्व ऑल 5 सेंस ऑफ ए चाइल्ड, हमारे पास है बच्चा जो है प्रोजेक्ट मेथड में 5 सेंस बच्चे की इस्तेमाल होती हैं प्रोजेक्ट मेथड में। यू हैव एन अग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड यू अडॉप्टेड टू हैंडल हिम, ये इसका राइट ऑप्शन बी है। एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रेशन में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, ये आता है सब्जेक्ट मैटर से हासिल होता है इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है टीचिंग का। फॉर टीचिंग एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल इन द मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट बाय 2018 विल बी ए मास्टर डिग्री विद बीएड होनी चाहिए, ये किसका शेर है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने है, ये है मीर तकी मीर का, राइट ऑप्शन इसका सी है। यादों की बारात किसकी सानिया हयात है, इसका राइट ऑप्शन बी है। जोश मिली आबादी की है। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तरीक का आगाज कब हुआ, ये हुआ था 1936 में। ए वाइट एलिमेंट एडियम जो है जिस पर महज खर्च हो फ़ायदा कम हो, इसका राइट ऑप्शन ए है।